Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Press Gallery, Punjab Assembly. आज का जो आपको मैंने ज़हमत दी है वो हसब रवायत आपके इलम में है कि हम हर अजलास से पहले जो है वो आपस में मिल बैठते हैं और अजलास की कार्रवाई से मुतल्लिका और अजलास में होने वाले जो असम्बली वर्क है उससे मुतल्लिका जो है वो हम बात करते हैं ताकि पंजाब असम्बली जो कि एक ऐसा अदारा है कि जो इस पूरे सूबा पंजाब के 10 करोड़ आवाम के जो मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारी निभाने का जो है वो आइनी तौर पे कानूनी तौर पे जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तो उसका अपने आवाम से रابطہ जो है उसका ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं तो इस मरतबा क्योंकि मैं बैरून मुल्क था मौजूद नहीं था तो इसलिए ये अजलास जो है ये 11 सितंबर से शुरू है तो ये हमारी मीटिंग जो है ये ड्यू थी तो उस हवाले से जो है वो हम आज जो है वो यहाँ पे मिल बैठे हैं और इस दौरान जो भी वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर भी जो है वो बात होगी सबसे बड़ा वाक़या जो है वो तो इन दिनों में जो है वो NA 120 का जो है वो इलेक्शन है उस पर आप जिस अंदाज से भी या जिस एस्पेक्ट को आप ज़ेर बहस लाना चाहें कि मैं उसके ऊपर भी जो है वो बात करूँगा मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ कर दूँ कि ये मौजूदा अजलास जो है ये मुहर्रम के आगाज़ तक यानी यकम मुहर्रम तक जो है वो इंशाल्लाह तआला जारी रहेगा और इसमें जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो है वो हम करने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे उसमें जो हमारी 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ रावलपिंडी मुल्तान और फैसलाबाद में जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस थे उनको यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दिया गया तो उनके ऊपर जो है वो हमारा इरादा है कि कल इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर जो है वो लेजिस्लेशन होगी जो मामला कोरम से मुतलका दरपेश आता रहा है मुझे इंतहाई अफसोस है कि इस मुअज्जज़ ईवान की बे बड़ी मुसलमा रवायात हैं कि जो मेंबर्स आर्ज होते हैं क्वेश्चन आर है जर्नल मोशन है और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट मेंबर्स डे है जिसमें अपोजिशन को ये मौका मिलता है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करे और उसका जो है वो मुहासबा करे तनकीदी जायज़ा ले तो इन आर्ज में रेजोल्यूशन होते हैं मेंबर्स के तो मेंबर्स आर्ज में कभी कोरम जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया जाता मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पे छोटी से छोटी जो है वो अपोजिशन भी रही है छोटी से छोटी मुराद ये है कि जो अपोजिशन जो है वो इजलास ना बुला सके अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से तो उसे फिर ज़रा एक छोटी या नन्ही मुन्नी अपोजिशन कहा जाता है तो उस वक्त भी जो है वो कभी अपोजिशन ने जो है वो राह फरार इख्तियार नहीं की और हमेशा बड़ा वहीमेंटली जो है हुकूमत को जो है वो टफ़ टाइम दिया जाता है एक्सपोज किया जाता है तनकीद की जाती है लेकिन इस मरतबा ये यानी अजीब अपोजिशन है कि वो उन यानी आर्ज में जिनमें उन्होंने गवर्नमेंट को जो है वो टफ़ टाइम देना होता है हदफ़े तनकीद बनाना होता है उनसे वो राय फरार इख्तियार करते हैं और वो कोरम पॉइंट आउट करके जो है वो चले जाते हैं कोरम को पूरा करना दोनों जो है वो साइड्स की जिम्मेदारी है ये ईवान जो है ये सिर्फ जो है वो हिस्बे इक्तदार का नहीं है ये ईवान हिस्बे इक्तदार और हिस्बे इख्तलाफ मिल के ईवान बनता है इसको चलाने की जिम्मेदारी जो है वो दोनों पे है हिस्बे जो इक्तदार है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जब वो लेजिस्लेशन करे अपना जो है वो सरकारी वर्क करे तो कोरम पूरा करे और उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि जब मेंबर्स आर्ज हों उस वक्त भले हाउस में जो है वो 10 बंदे बैठे हों वो अपोजिशन की बात सुने इस हथकंडे को वो नहीं इस्तेमाल कर सकते लेकिन अपोजिशन का ये काम है कि वो जो है वो इस ईवान को जो है वो जिस मकसद के लिए लोगों ने उनको मैंडेट दिया है उसको जो है वो पूरा करें लेकिन बहरहाल वो नहीं कर रहे ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये सारी चीज़ें जब बाद में जब तारीख का हिस्सा और रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं तो इस पर फिर आने वाले जो दिनों में जो है वो इनके ऊपर अच्छा या बुरा होने के हवाले से जो है वो तबसरा और बात जो है वो होती है
NA 120 के हवाले से मैं मुख्तसरन जो है वो मैं ये बात करूँगा कि देखें इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट एक मुअज्ज़ज़ मुहतरम कानूनी और आइनी अदारा है। उस अदारे की इज्जत, उस अदारे का एहतराम हम सब के ऊपर फ़र्ज है, हर पाकिस्तानी के ऊपर फ़र्ज है, और उस फ़र्ज को निभाने का आइनी और कानूनी तकाजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना ही सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है, अमल दरामद करना ही सुप्रीम कोर्ट की का जो है एहतराम है, और उस अमल दरामद करने के मामले में हमने तमाम तर रेजर्वेशंस के बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले पर कोई सेकंड थॉट, ये आप ये पूरा मुल्क जानता है, ये 20-21 करोड़ लोग जो है हर फर्द इस बात का गवाह है कि मियां नवाज शरीफ ने फैसला आने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि फैसले के ऊपर अमल दरामद किया, फैसले का एहतराम किया, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम जो है वो अमल दरामद करने तक ही महदूद है। अब हमसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ईमान ले आने का तकाजा ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ना आइन का ना कानून का ये तकाजा हरगिज नहीं है कि हम उसके ऊपर ईमान ले आए, हम उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकते हैं, एक फेयर कमेंट कर सकते हैं, और ये हम नहीं कर रहे, ये 70 साल तारीख में हर बार होता रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो के फैसले को जुडिशियल मर्डर हमने नहीं बनाया, पीपल्स पार्टी ने एक अपना मौकफ जो है वो उस दिन से अपनाया, फैसला हुआ, फैसले पे अमल दरामद हो गया, उसके बाद उनकी रेजर्वेशन थी, उनका मौकफ था, उन्होंने उस दिन से लेके आज तक हर दिन जो है वो पेश किया, और एक वक्त ऐसा आया कि आज सारा पाकिस्तान जो है वो इस बात को कहता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला जो था वो दुरुस्त नहीं था, आवामी राय ने उस फैसले को तस्लीम नहीं किया और उसे जुडिशल मर्डर के तौर पे जो है वो कहा भी जाता है, बल्कि मैं बतौर एक वकील के इस बात को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस फैसले का कभी किसी अदालत में रेफरेंस नहीं दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी किसी वकील ने उसका रेफरेंस कोर्ट करने की जरूरत की तो जजेस ने कहा कि भाई छोड़े छोड़े इस बात को, इसको एक तरफ रहने दें, इसका रेफरेंस जो है वो ना दें। और सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच जिसने वो फैसला किया, उसके एक इंतहाई मोज़ज़ जज जो कि चीफ जस्टिस भी रहे, उन्होंने बाद में अपने एक जो उन्होंने बुक लिखी उसमें उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर था, प्रेशर से हमसे फैसला करवाया गया, गलत फैसला करवाया गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे बहुत मुहतरम है और उसके ऊपर अमल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, वरना तो मुल्क अनारकी का शिकार हो जाएगा। लेकिन वो कोई आसमानी सिक्का तो नहीं है कि उसमें जो है वो कोई गलती नहीं हो सकती। क्या हर दौर में जो ताले आजमा, जो डिक्टेटर आए, क्या उनको जो संदे जवाज दी गई वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ही था ना? और क्या वो फैसला जिसने जो है वो जनरल मुशर्रफ को ये इख्तियार दिया था कि तुम आइन में भी तरमीम कर सकते हो, उस फैसले को पर अमल तो हुआ और जनरल मुशर्रफ ने तरामीम की आइन में, लेकिन क्या बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही उस फैसले को गलत करार नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं कहा कि ये फैसला गलत था? क्या
जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ के इमरजेंसी ऑर्डर को वैलिडेट करने के लिए दिया था, जिसको डोगर कोर्ट का फैसला कहा जाता है उर्फ़े आम में, तो क्या उसको हमने बाद में कहा कि गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि वो फैसला जो है वो गलत था। तो इसलिए तारीख या आने वाले वक्त में हमें इस बात से महरूम करने के लिए कोई ये क्यों कहे, हो सकता है कल को इस फैसले के मुतल्लक जो है वो तारीख जो फैसला करेगी, तो उस फैसले में हमें जो है वो इस तवक्को करने से तो कोई नहीं रोक सकता कि हम आज जो ये बात कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ इस फैसले की वजह से ज़्यादती हुई है, लेकिन मुल्क के आइन और कानून को जो है वो हमने जो है वो सुप्रीम जानते हुए और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम मरूज़ खातर रखते हुए हमने उसके ऊपर अमल किया है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक अदारा है, उसमें मुख्तलिफ मुअज्ज़ज़ जज साहबान की राय हो सकती है, उसमें अगर एक मुअज्ज़ज़ जज, एक मुअज्ज़ज़ और मोहतरम जज जो है वो हमें गॉड फादर कह सकता है, बल्कि गॉड फादर कहना अगर ऐसा कह सकता है, तो कल एक मुअज्ज़ज़ जज ने ये भी कहा है कि एन ए 120 का रिजल्ट आ चुका है, अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो बतौर अदारा जो है वो यकीनन हर फर्द के आइनी और कानूनी हकूक़ का जो है वो ज़ामन है, हमें कोई मायूसी नहीं है, और हम जो अपनी बात कर रहे हैं ये कोई बात नई नहीं है। हमें ये ना कहा जाए कि हम ईमान ले आए और हम जो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। ये मैंने आपको जो एक दो मिसालें आपके सामने रखी हैं, बीसियों और मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें जो है फैसले से इख्तलाफ़ भी किया गया, लेकिन उस इख्तलाफ़ का एक जो है वो एक सलीका होना चाहिए। और मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि आप जो है मियां नवाज़ शरीफ जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से चले और लाहौर तक पहुँचे, जिनकी तकारीर पे बड़े एतराज़ात किए जा रहे हैं, आप उनकी कोई तकरीर निकालें कि उन्होंने किसी मुअज्ज़ज़ जज के बारे में कोई एक लफ्ज़ कहा हो, क्योंकि किसी भी मुअज्ज़ज़ जज के किरदार को डिस्कस करना जो है वो उस लिमिट से बाहर निकल जाता है। उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने फैसले के मुतल्लिक जो है वो बात की, लेकिन फैसले के मुतल्लिक बात करने से पहले वो इतराज़ वो जो उसके ऊपर अमल दरामद करके चले थे वहाँ से इस्लामाबाद से, वो अमल दरामद करने के बाद जो है वो वहाँ से वो चले थे। मोहतरमा मरियम नवाज़ ने थ्रू आउट कंपेन जिस अंदाज में उन्होंने मियां नवाज शरीफ जो हमारी पार्टी के कायद हैं और मरियम नवाज के इख्तदार को चलाने की जिम्मेदारी दोनों साइड्स की है, लिहाजा सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, ऐसा कहना है वजीर कानून राना सनाउल्लाह का, जो कि लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं सिंध हाईकोर्ट में तानिया खास कली कत्ल